morning, dear students. How are you all? Fine. Excellent. Beta, are you taking care of yourself from coronavirus? Yes. Shabash. Dear students, now fold your hands and start the prayer. Beta, today's thought is, nobody is perfect, that's why pencils have erasers. Beta, इस वर्ड में कोई भी परफेक्ट नहीं है, सबसे मिस्टेक्स होती हैं और सब लोग मिस्टेक से ही सीखते हैं. जैसे पेंसिल्स के पीछे इरेजर होती है ना, हम पेंसिल से कोई मिस्टेक कर देते हैं तो हम इरेजर से रब कर देते हैं ना, ऐसे ही हम मिस्टेक से सीखते हैं. Beta, in our previous video, we did exercise 4, forming smallest and greatest number. We also did exercise 7, question 2 and question 3 and Hodge question. In today's video, we will do exercise 5, rounding of numbers to the nearest tens, given on page number 20. We will also do exercise 6, even and odd numbers, given on page number 20 and 21. So, Beta, take out your maths book. First of all, Beta, I will teach you rounding of the numbers to the nearest tens. कि हम number को कैसे round off करेंगे nearest tens में. अब बेटे देखिए, हमें 32 का rounding number find out करना है. है ना? अब बेटा देखिए 32 किस किस के बीच में आता है. आप जब काउंटिंग बोलते हैं तो 32 30 और 40 के बीच में आता है ना, क्योंकि इसकी टेंस प्लेस 3 है. एक बार तो आप 30 लेंगे और नेक्स्ट टाइम क्या लेंगे, 3 में 1 प्लस कर देंगे 40. ठीक है, अब बेटा देखिए नंबर लाइन से देखिए, 32 30 के पास पड़ रहा है या 40 के पास पड़ रहा है. 32 30 के पास पड़ रहा है ना, है ना. तो आप पहले क्या लिखेंगे, 32 is between 30 and 40. जो 32 है वो 30 और 40 के बीच में है. Second, 32 is nearer to 30 than to 40. जो 32 है वो 30 के पास में है 40 से की बजाय. Okay? So, 32 is rounded off to 30. तो rounding number क्या होगा 32 का, 30 होगा. Okay? Now, beta, this is your second number line. Here, 87 is circled. ठीक है, अब आपको बताना है कि 87 का rounding number क्या होगा. अब बेटे 87 किस किस के बीच में आता है. इसकी tens place 8 है ना, तो 80 से start करेंगे. 80 और 8 plus 1, 90. 87, 80 और 90 के बीच में आता है ना, है ना. 87 is between 80 and 90. अब बेटे देखिए 87 80 के पास है या 90 के पास है. 80 से दूर है ना 87, और 90 के पास में है. But 87 is nearer to
90 देन टू 80, है ना। आपको इसमें एक और मेथड होता है, क्या याद रखना है, इसकी वंस प्लेस डिजिट देखनी है। जो भी नंबर, जिस भी नंबर को हम राउंड ऑफ करना चाहते हैं उसकी वंस प्लेस डिजिट देखते हैं। जैसे इसकी वंस प्लेस डिजिट है 7, अगर वंस प्लेस डिजिट 5 या 5 से ज़्यादा हो तो नंबर नेक्स्ट के पास आएगा, और अगर वंस प्लेस डिजिट 5 से कम होती है, ठीक है, तो वो नंबर पहले वाले नंबर के पास आएगा, ठीक है। सो 87 इज राउंडेड ऑफ टू 90, ओके। नाउ बेटे, दिस इज योर थर्ड एग्जाम्पल। थर्ड एग्जाम्पल में हमें देखना है कि 565 का राउंडिंग नंबर क्या है टेंस में, ठीक है। वैसे तो ये हंड्रेड्स की है पर हमें टेंस में देखना है। अब बेटे देखिए, इसकी टेंस प्लेस डिजिट क्या है, 6 है ना, 6 है ना। तो ये नंबर किस किस के बीच में आएगा, हमें टेंस में लेना है ना, मतलब गैप 10 का होना चाहिए। अब मैंने बताया था आपको 6 के बाद 0, 5 6 0, और 6 में 1 प्लस करेंगे 7 आ जाएगा, 5 7 0। जो 565 है वो 560 और 570 के बीच में आता है, ओके। 565 इज बिटवीन 560 एंड 570। अब हमें ये देखना है कि 565 560 के पास आता है या 570 के। बेटा इसमें एक रूल होता है, क्या होता है, अगर वंस प्लेस डिजिट 5 6 7 8 9, ठीक है, हो तो वो नंबर जो है वो नेक्स्ट नंबर के पास आएगा, ठीक है। और अगर वंस प्लेस डिजिट हो 4 3 2 1, तो वो पहले वाले नंबर के पास आएगा। अब ये देखिए बेटे, यहाँ पर वंस प्लेस डिजिट पर 5 है ना, तो 5 वाला हमेशा नेक्स्ट नंबर में जाएगा, 5 से लेकर 9 तक जो है वो नेक्स्ट नंबर में जाएगा। और 1 2 3 4, वंस प्लेस पर जिनकी 1 2 3 4 आए वो प्रीवियस नंबर के पास आएंगे, ओके। जो 565 है वो 570 के पास पड़ता है 560 की बजाय, ठीक है। 565 इज नियरर टू 570 देन टू 560, क्योंकि इसकी वंस प्लेस 5 है, ओके। हमेशा याद रखना है, वंस प्लेस जिसकी 5 हो वो नेक्स्ट नंबर के पास आएगा। सो 565 इज राउंडेड ऑफ टू 570, ओके। नाउ बेटा, वी विल डू एक्सरसाइज 5 गिवन ऑन पेज नंबर 20। वी विल डू क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 4, क्वेश्चन 5 एंड क्वेश्चन 6, एंड यू विल डू क्वेश्चन 7, क्वेश्चन 8 एंड क्वेश्चन 9 योरसेल्फ, ओके। बेटा अभी आपको मैंने राउंडिंग नंबर समझाया ना, राउंड ऑफ टू द नियरेस्ट टेंस, ठीक है, उसके बेस पर हम ये एक्सरसाइज करेंगे। दिस इज योर फर्स्ट पार्ट नंबर इज 72। अब इट इज 72, आप काउंटिंग आ गई ना, 72 किस किस के बीच में आता है, 70 एंड 80, इसकी टेंस प्लेस 7 है ना, तो 72 70 और 80 की लाइन में आता है। अब बेटा राउंडिंग ऑफ टू टेंस में करने के लिए हम कौन सी प्लेस देखते हैं, हम देखते हैं वंस प्लेस देखते हैं ना। अब इसकी वंस प्लेस क्या है, 2। अगर वंस प्लेस 5 से ज्यादा है तो वो 80 के पास आएगा, और अगर वंस प्लेस 5 से कम है तो वो 70 के पास आएगा, ठीक है। तो अब वंस प्लेस 5 से कम है ना, तो वो 70 के पास आएगा ना नंबर, you will write 70, okay. Now this is your second part number is 87. अब बताइए 87 किस किस के बीच में आता है, 80 and 90, okay. और आपको कौन सी प्लेस देखनी है, वंस प्लेस। अब बेटे वंस प्लेस पर यहां पर क्या है, 5 से ज्यादा है ना, मैंने बताया था ना, अगर 5 से ज्यादा हो या 5 के इक्वल हो तो वो नेक्स्ट नंबर में आता है।
तो ये 90 की तरफ आएगा ना, इट इज नियर टू 90, सो द आंसर इज 90, ओके। नाउ दिस इज योर थर्ड पार्ट, इन थर्ड पार्ट द नंबर इज 235, अब 235 देखते हैं आपको कितनी कौन सी लाइन में आता है, ठीक है। आपको गैप कितना मिला है, 10 का गैप, देखिए आप जैसे यहाँ पर 10 का गैप लेते हैं ना, 70 और 80, 10 का गैप, यहाँ पर भी 10 का गैप, और 10 का गैप कैसे लिया आपने, 10 प्लेस की वजह से देखा ना, 70 80, 7 के बाद 8 आता है, ऐसे ही आपने 10 प्लेस जैसे यहाँ पर 8 है, 80 और 8 के बाद 9 आता है, 90, ठीक है। अब मुझे बताइए यहाँ पर 10 प्लेस डिजिट क्या है, 10 प्लेस डिजिट है 3, तो आप क्या लेंगे, रेंज क्या लेंगे, 230 एंड 240, 3 के बाद 4 आता है ना, 240, आपको बेटा 10 का गैप लेना है, ठीक है, 10 का गैप लेने के लिए आप 10 प्लेस से शुरू करेंगे, ठीक है। अब बेटे और देखनी कौन सी प्लेस है आपको, 1 प्लेस देखनी है, वेरी गुड, 1 प्लेस पर क्या देखना है, अगर 1 प्लेस 5 या 5 से ज्यादा होती है वो नेक्स्ट नंबर में आएगा, और अगर 1 प्लेस 5 से कम होगी तो वो पहले वाले नंबर में आएगा, सो इट इज नियर टू 240, क्योंकि इसकी 1 प्लेस 5 है ना, है ना। नाउ दिस इज योर फोर्थ पार्ट, फोर्थ पार्ट नंबर इज 943, अब बेटे 943 की 10 प्लेस क्या है करें तो बताइए, 4, तो ये बेटे 943 कहां पर आएगा, 940, 10 प्लेस लिया ना, 940 एंड 4 के बाद क्या आता है, 5 आता है ना, 950, ठीक है। और कौन सी प्लेस देखनी है हमें, 1 प्लेस, अब 1 प्लेस पर यहाँ क्या है, 3 है ना, 5 से छोटा है ना, अगर 5 से छोटा है तो वो किधर की साइड आएगा, 940, 943 इज नियरर टू 940, ओके। नाउ दिस इज योर फिफ्थ पार्ट, इन फिफ्थ पार्ट द नंबर इज 627, अब बेटे इसकी 10 प्लेस क्या है, 2, आपको 10 का गैप लेना है, तो आप क्या करेंगे, 620, 7 की जगह 0 लिखना है, 620, और दूसरा नंबर क्या आएगा, 2 के बाद क्या आता है, 3, 630, ठीक है। और प्लेस कौन सी देखनी है आपको, 1 प्लेस देखनी है, अब बेटे 1 प्लेस पर यहाँ पर क्या है, 7, 5 से ज्यादा है ना, तो वो 620 के नियर होगा, 630 के नियर होगा, यस, 630 के नियर होगा, क्योंकि ये 5 से ज्यादा है, 6 पार्ट इज 590, इसकी 10 प्लेस क्या है, 1, अब बेटा आप क्या क्या लेंगे, 510 और 51 के बाद क्या था, 2520, ठीक है। ये नंबर 510 और 520 के बीच में आते हैं ना, और आप कौन सी प्लेस देखेंगे, 1 प्लेस, 1 प्लेस पर क्या है, 9, 5 से ज्यादा है ना 9, तो ये किधर आएगा, 510 की तरफ या 520 की तरफ, यस 520 की तरफ, 590 इज नियर टू 520, ओके। नाउ यू विल डू 7th 8th एंड 9th पार्ट्स योरसेल्फ, ओके। केवल आपको इसमें ये याद रखना है कि आपको इसमें 10 का गैप लेना है, ठीक है, 10 का गैप लेना है, और 1 प्लेस चेक करनी है, अगर 1 प्लेस 5 या 5 से ज्यादा है तो वो नेक्स्ट नंबर में आएगा, और अगर 1 प्लेस 5 से कम है तो वो प्रीवियस नंबर में आएगा, ओके। नाउ बेटा आई विल टीच यू व्हाट आर इवन एंड ऑड नंबर्स, नंबर्स विद 0, 2, 4, 6 और 8 इन द वंस प्लेस आर इवन नंबर्स, जिन नंबर्स की वंस प्लेस पर 0, 2, 4, 6, 8 हो वो इवन नंबर्स कहलाते हैं,
फॉर एग्जाम्पल 20 की वंस प्लस 0 है, 32 की वंस प्लस 2 है, 14 की वंस प्लस 4 है, 46 की वंस प्लस 6 है एंड 58 की वंस प्लस 8 है। तो ये नंबर्स क्या हुए? इवन नंबर्स। इवन नंबर्स में वंस प्लस 0, 2, 4, 6, 8 होती है। ओके अब बेटे ऑड नंबर्स क्या होते हैं? नंबर्स विद 1, 3, 5, 7 और 9 इन द वंस प्लेस आर ऑड नंबर्स। जिन नंबर्स की वंस प्लेस पर 1, 3, 5, 7 और 9 हो वो ऑड नंबर्स कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल 21 की वंस प्लेस 1 है, 33 की वंस प्लेस 3 है, 45 की वंस प्लेस क्या है? 5, शाबाश। 57 की वंस प्लेस 7 है एंड 69 की वंस प्लेस क्या है? 9। ठीक है, इनकी वंस प्लेस पर 1, 3, 5, 7, 9 है ना, तो ये कौन से नंबर्स कहलाएंगे? ऑड नंबर्स। ओके नाउ बेटा वी विल डू एक्सरसाइज 6 गिवन ऑन पेज नंबर 20। राइट इवन और ऑड, यहाँ पर आपको इवन और ऑड लिखना है। बेटा मैं आपको ए बी सी डी ई एंड एफ पार्ट्स करवाऊंगी एंड यू विल डू जी एच आई जे के एंड एल पार्ट्स योरसेल्फ। नाउ बेटा दिस इज योर ए पार्ट, नंबर इज 64। बेटा 64 की वंस प्लेस क्या है? 4 है ना, तो ये कौन सा नंबर हुआ बताइए मुझे? यस शाबाश, ये है इवन नंबर। बी पार्ट इज 457। 457 की वंस प्लेस क्या है? 7। 7 इवन है या ऑड है? यस वेरी गुड, इट इज ऑड। सी पार्ट इज 3009 में वंस प्लेस 9 है ना, तो 9 इवन है या ऑड है? यस 3009 इज ऑड नंबर। डी पार्ट इज 153 की वंस प्लेस क्या है? 3। अब 3 इवन है या ऑड है? शाबाश 3 इज ऑड, सो 153 इज ऑड नंबर। अब बेटी नेक्स्ट नंबर क्या है? 1234 में वंस प्लेस क्या है? 4। अब बेटी 4 इवन है या ऑड है? यस 4 इज इवन, सो 1234 इज इवन नंबर। एफ पार्ट इज 4532 में वंस प्लेस क्या है? 2। अब बेटी 2 इवन है या ऑड है? वेरी गुड 2 इज इवन, सो 4532 इज इवन नंबर। नाउ यू विल डू जी एच आई जे के एंड एल पार्ट्स योरसेल्फ। बेटा नाउ आई विल टीच यू हाउ टू फाइंड आउट वेदर द सम इज इवन और ऑड। बेटा अब मैं आपको क्या बताऊंगी कि कैसे फाइंड आउट करते हैं कि किन्हीं टू नंबर्स का सम इवन है या ऑड है। फर्स्ट पॉइंट इज द सम ऑफ एनी टू ऑड नंबर्स इज ऑलवेज इवन। बेटे टू ऑड नंबर्स का जो सम है वो हमेशा इवन होता है। फॉर एग्जांपल 23 की वंस प्लेस 3 है ना, तो ये ऑड नंबर है। और इसमें अगर हम प्लस करेंगे 35 की वंस प्लेस 5 है, ये भी ऑड है। तो इसको हम प्लस करेंगे तो क्या आएगा? 58 आएगा ना, 58 इवन है ना, क्योंकि 8 वंस प्लेस पर है। दैट मीन्स ऑड नंबर को हम ऑड नंबर से प्लस करेंगे तो हमारे पास आंसर इवन आ जाएगा। ओके नाउ बेटा सेकंड पॉइंट इज द सम ऑफ एनी टू इवन नंबर्स इज ऑलवेज इवन। बेटा टू इवन नंबर्स का जो सम है वो हमेशा इवन होता है। फॉर एग्जांपल 36 इज एन इवन नंबर, क्योंकि इसकी वंस प्लेस 6 है ना। अगर हम इसमें 42 प्लस करेंगे जो इवन नंबर है उसका आंसर क्या आ जाएगा? 78 भी इवन आ जाएगा ना, क्योंकि 8 वंस प्लेस पर है। दैट मीन्स इवन प्लस इवन इज इवन। नाउ थर्ड पॉइंट इज
The sum of an odd number and an even number is always an odd number. बेटा अगर हम odd number और even number को plus करेंगे, odd या even या और odd को, ठीक है, इधर even भी आ सकता है और इधर odd भी, ठीक है, तो उनका जो sum होगा वो odd होगा. For example, 17 odd है ना, क्योंकि यहाँ ones place पर 7 है, इसमें हमने plus किया 28 even है क्योंकि इसकी ones place 8 है. 17 plus 28 is 45. अब बेटे 45 odd है even है, odd क्योंकि इसकी ones place 5 है. That means odd plus even is equal to odd. Okay. Now beta we will do question 2 given on page number 21. Write whether the sum is even or odd without actually adding. आपको बताना है कि इनका sum even है या odd है, इनको बिना add किए, ठीक है. मैं आपको A, B, C, D, E and F parts करवाऊंगी, आप G and H parts अपने आप करेंगे. ओके बेटा, A part is 54 plus 96. अब पहले आपको देखना है कि 54 और 96 even है या odd है. 54 बताइए मुझे even है odd है? Yes, this is even number because its ones place is 4. 96 is also even number because its ones place is 6. बेटा अगर हम two even numbers को plus करेंगे तो क्या answer आएगा? Yes, very good. Even number आ जाएगा. Now this is your B part. Numbers are 142 plus 364. बेटे 142 की ones place क्या है? 2. और 364 की ones place 4. दोनों even numbers है ना? तो इसका answer भी even ही आएगा ना? Yes, very good. Answer is even number. Now C part is 83 plus 14. अब बेटे 83 odd है ना क्योंकि इसकी ones place 3 है और 14 even है क्योंकि ones place 4 है. अब अगर हम 1 odd और 1 even को plus करेंगे तो answer क्या आएगा? Odd number आएगा ना, so the answer is odd. Now D part is 81 plus 96. अब बेटे 81 even है odd है? Yes, this is odd number and 96 is even number. अब बेटे odd plus even क्या आंसर आएगा? Very good. Odd number. शाबाश. Now E part is 542 plus 634. बताइए जल्दी से 542 even है odd है? Yes, this is even number because its ones place is 2. And 634 is also even number because its ones place is 4. Even plus even क्या होगा? Very good. Even होगा. Now F part is 43 plus 65. 43 की ones place है 3. और 65 की ones place 5. दोनों numbers odd है ना? Odd plus odd is even. Very good. Now you will do G and H parts yourself. Okay. Now, beta, this is your advisory work. Do exercise 5 given on page number 20 and exercise 6 given on page number 20 and 21. Thank you. Have a great day.